ही लगा दरवाजा खोलने में। पंडित जी, ये पंडित जी हमें ऐसे मुंह फाड़ के क्यों देख रहे हैं? वो आपने इतनी अच्छी साड़ी पहनी ना, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, इसीलिए शायद। बैड मैनर्स। पंडित जी मुंह बंद कर दीजिए, मम्मी जी से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो बस दिखती ऐसी है पर दिल की भी है ऐसी। नहीं, मेरा मतलब है दिल की बहुत अच्छी है। मम्मी जी मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। पंडित जी प्लीज मुंह बंद कीजिए वरना मक्खी घुस जाएगी। अब पंडित जी के मुंह में मक्खी घुसने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो मक्खी भी वही पहुंच जाएगी जहाँ पंडित जी पहुंच चुके हैं, दूसरी दुनिया में। क्या? क्या? रजनी के कहने का मतलब है कि पंडित जी मेडिटेशन कर रहे हैं, वो ध्यान लगा के इस मोह माया की दुनिया से दूर दूसरी दुनिया में है, इसलिए मच्छर मक्खी मच्छी किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पर। ईशान, इन्हें प्लीज कहो टाइम प्लीज लेके अपने ध्यान से बाहर आए, हमें इनसे बात करनी है, कुछ सवाल पूछने हैं। मम्मी जी, पंडित जी आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तुम एक मिनट मुंह बंद रखोगी प्लीज? ओके ईशान। क्योंकि वो वो मॉम वो मौन व्रत धारण कर लिया है उन्होंने, इसी। What? क्या? ये कोई टाइम है मौन व्रत रखने का? शादी में क्या इशारों से मंत्र पढ़ेंगे? ओए मैं क्या सुरीली यार, ओहो भाई शादी तो शानू को है ना। हाँ। पर गेस्ट अभी से आने लग गए, हमने तो अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बुलाया था। तो फिर किसने बुलाया? शान, मेरा एक मिनट खत्म हुआ, मैंने बुलाया बाऊजी। मेरे डेटाबेस के अनुसार खुशी के मौकों पर सबको साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। यू नो व्हाट राजनी, तुम्हारे डेटाबेस में खुशी का जो डेफिनेशन है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, प्लीज रेक्टिफाई इट। नहीं नहीं मॉम, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखिए, खुशी का मौका तो है ही, शादी तो हो ही रही है हमारे घर में, और अगर आप नहीं चाहती कि आपके भाई की शादी में मिष्टी डोई की जगह लस्सी सर्व हो जाए, तो मेरे हिसाब से आप जाइए, सबको वेलकम कीजिए, तैयार वेयर हुई है, ओगो रजनी सबको ले जाओ, सबको बोलो तैयार हो जाए। ओके शान, आइए सब लोग तैयार हो जाइए। घर में से निकाल दे, सबको तैयार होने के लिए भेज दिया। बच गए। देखो अब किसी को शक हो, उसके पहले इसको यहां से हटाना होगा। ओके शान।